इस समय जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो हमारे बच्चे बाहर जाते थे, अब उन्होंने तय कर दिया कि वो बच्चे इधर ही आएं। हमारी अभी नीट की परीक्षा होनी थी, जेईई की परीक्षा होनी थी, हमने वो हम थोड़ा सा हो सकता है कि उसको थोड़ा सा पीछे लेकर के जाएंगे, क्योंकि अभी जो परिस्थितियाँ हैं, अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं, तो थोड़ा सा पीछे जा कर के ये भी हो सकता है कि विश्वविद्यालय की इन परिस्थितियों में थोड़ा सा राज्यों को भी इसकी छूट दें कि वो उन परिस्थितियों के अनुरूप वो अपना निर्णय लें। तो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे की सुरक्षा हम लोगों के लिए पहले है और शिक्षा भी ज़रूरी है। तो सुरक्षा और शिक्षा, ये दो बड़ी चुनौती हमारे सामने हैं, लेकिन मुझे भरोसा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से इसको उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और एक बार मैं पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, और जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझको सुन रहे हैं, वो जितने लोग होंगे, मुझे आशा है कि इस समय से जो मैंने चाहे जनधन योजना की बात की, फ्री गैस कनेक्शन की बात की, फ्री सिलेंडर की बात की, फ्री राशन की बात की, शौचालय और सीवर की बात की, पेंशन की बात की, वन रैंक वन पेंशन की बात की, जो सैनिकों का जो चौथा धाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, किसानों के लिए जो जो योजनाएं की और किसान प्रधानमंत्री किसान योजना की बात की, प्रधानमंत्री मुद्रा की बात की, खाद्यान्न की बात की, फ्री खाद्यान्न को देने की बात की, आयुष्मान भारत की बात की, तमाम जो जो बिंदु मैंने बहुत सारे बिंदु चर्चा की है, और कुछ आंकड़ों के साथ, चाहे वो नमामि गंगे का हो, सिंचाई विभाग का हो, और चाहे वो जो NH के बनने वाले रास्ते हों, सड़कें हों, तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों के साथ इन बातों को बांटेंगे, और हर व्यक्ति कम से कम 20 से 30 टेलीफोन करके मेरी ओर से शुभकामना भी देगा, जो भी आपके निकट लोग हैं, जो आपकी जिम्मेदारी के आसपास जो लोग आच्छादित होते हैं, उन तक मेरी बात जाए। और मैं स्वामी जी से कहूँगा कि मेरी ओर से सबको शुभकामना दे दीजिए स्वामी जी, और सबको भरोसा दिलाइए कि वो अपनी सुरक्षा पहले रखें, और उसके बाद मिलकर के आपने, मुझे मालूम है कि पीछे के दिनों में आप लोगों ने किस तरीके से खाद्यान्न के पैकेट बांटे हैं, मुझे मालूम है, मैं देख रहा था, मैं आपको खूब देखता हूँ, सोशल मीडिया पर भी निरंतर मेरी नज़र रहती है, कौन आदमी कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहा है उसकी भी जानकारी लेता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार की आपकी टीम ने स्थान स्थान पर लोगों की मदद की है, और आप ज़रूरत भी है कि अपने को सुरक्षित रखते हुए लोगों के हम ताकत के साथ, मजबूती के साथ मदद भी करें, इसकी भी ज़रूरत है। मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ, मुझे मालूम है कि आप जितने लोग हैं हरिद्वार ग्रामीण के जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से चट्टान की तरह हैं, जुड़े रहते हैं, रात और दिन एक तरफ रात दिन खपते हैं, मेरे साथ कभी पैदल चलना, रात की 2 बजे भी मीटिंग करना, ऐसे जुझारू कार्यकर्ता और ऐसी एक फौज है पूरे, ऐसा लगता है कि जब आप लोगों के बीच मैं आता हूँ तो ऐसा और उत्साह और उमंग के साथ आते हैं, खुशी होती है, हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमारे पास ऐसे समर्पित टोली है जिनके बलबूते पर हम कुछ भी कर सकते हैं। इधर चंदेल भी देख रहा हूँ मैं, कहीं कहीं टेलीफोन पर फोटो ले रहा है, तो मेरी शुभकामना कि बहुत सारे लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, जैसे थोड़ा सा ये सामान्य स्थिति होती है उसको हम फिर जल्दी से जल्दी बैठेंगे। और मैं आशीष को कहूँगा कि ये युग युग है, और आशीष मेरी बात सुन रहे हो ना, आशीष मेरी बात सुन रहे हो, नहीं सुन पा रहे हैं आशीष? हाँ तो हाँ तो अनिल, यदि आप सुन रहे हैं तो मेरा ये कहना है कि ये डिजिटल के माध्यम से ज्यादा लोगों तक कैसे जा सकते हैं, इसकी जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर के जो अच्छा काम कर रही हैं
उसको गांव गांव घर घर तक पहुंचाएं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी हो, किस किस माध्यम से हो, उन सभी माध्यमों को करें। एक बार फिर इस अच्छी रैली के लिए मैं आपको बहुत शुभकामना दे रहा हूं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपने अभी हमें बताया कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 वर्ष की अल्प अवधि में ही इस देश के आम जन को गर्व करने के कितने अवसर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिए, और साथ ही इस देश के गरीब को, इस देश के किसान को, गरीब महिलाओं, माताओं, बहनों को गर्व से जीने के, सम्मान और स्वाभिमान से जीने के अवसर दिए हमारी इस केंद्र की सरकार ने। इस प्रकार आपने हमारा मार्गदर्शन किया, और माननीय मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी कार्यकर्ता आपके द्वारा बताए गए सभी कार्यक्रमों और सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए क्षेत्र की जनता तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे, और आम जन को सभी केंद्र की जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराते हुए उनको लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। अब मैं आमंत्रित करता हूं अपने सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी को, रैली में प्रतिभाग कर रहे समस्त प्रतिभागियों का आभार ज्ञापित करें, और आत्मनिर्भर भारत जी का संकल्प के वर्चुअल रैली में प्रतिभाग दिलवाएं, प्रतिभागियों का आभार ज्ञापित। धन्यवाद भाई अनिल जी, हम सबका सौभाग्य, हम सबका गौरव कि आज हमारे यशस्वी नेता देश के मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में काम कर रहे आदरणीय श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी का मार्गदर्शन हम सब ने सुना। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि समय समय पर वो हम सब जुड़ते ही रहते हैं, और भविष्य में भी वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और निश्चित रूप से उनके दिखाए सिखाए और बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम जहां पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, वहीं सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक ले जाने का भी काम करेंगे, मैं ऐसा आश्वासन उनको देना चाहता हूं। और मैं सभी उपस्थित कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से जो जुड़े हुए हैं निवेदन करता हूं कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दाया हाथ सामने करते हुए इस शपथ को दोहराएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना लोकतंत्र के मूल्यों समतामूलक समाज के निर्माण सर्वधर्म संभाव मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में काम करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड-19 की महामारी से
महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा भारत माता की जय, माता की जय। डॉक्टर निशंक जिंदाबाद, डॉक्टर निशंक जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे हो गया भाई साहब।